भोरंज ब्लॉक के बस्ती चौक में आवारा पशुओं के बढ़ते हुए आतंक से स्थानीय ग्रामीण काफी परेशान हो गए हैं। अक्सर देखा जा रहा है कि आवारा पशुओं के द्वारा बीच सड़क पर खड़े होकर जहां यातायात को बाधित किया जा रहा है, वहीं स्थानीय दुकानदारों को भी परेशान किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा टोकन भी आवारा पशुओं को लगाए गए हैं, फिर भी ये आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसके चलते बस्ती चौक और इसके आसपास के क्षेत्रों में लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आवारा पशुओं के द्वारा घायल हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस तरह घूम रहे आवारा पशुओं पर नकेल कसी जाए और उन्हें पकड़कर कहीं अन्यत्र जगह पर छोड़ा जाए। आते हैं लोग तो उसके बाद छोड़ देते हैं, ये क्या करें बेचारे, इधर उधर घूमना है ना, बाजार में खाली जगह घूमना, बाजार में खड़े रहना, बस ये है एक दूसरा मार रहे हैं, इधर इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, या पालो मकान पालना है तो उनकी देखभाल करो, ना कोई ऐसे छोड़ने का मतलब तो है नहीं, किसी की फसल का सबका नुकसान कर रहे हैं। बाकी आपको पता ही है कितने हजारों की तादाद में हो चुके हैं फसलें, उन्होंने वो चार दी, इनको पालने का फायदा क्या है, पालने हैं तो इसको ढंग से घर में बांधो, अब जब टोकर लगे हुए हैं टोकर लगे भी छोड़ दिए लोगों ने, तो क्या फायदा गवर्नमेंट का, जब टोकर लगाए हुए हैं फिर भी छोड़ रहे हैं, सारी फसलें नुकसान कर रहे हैं, लोगों को आते जाते दिक्कत हो रही है, खाली जगह वालों को भी दिक्कत हो रही है, इसलिए मेरे कहना था टोकर लगाने के ऊपर तो जैसे टोकन लगा रखे हैं, फिर आधार कार्ड के ऊपर नंबर दिए हुए हैं, उनको पकड़ो फिर छोड़े क्यों हैं, ऐसे ना तो सरकार अपने कर रही है, इसमें उन्होंने भी अपनी कार्रवाई कर रखी है तो छोड़ने का मतलब ही नहीं है, कल भी टोकन नहीं लगाया, पता नहीं किसका किसका नहीं है, वो टोकन लगा रखा है फिर उसको पकड़ो ना, नंबर तो होता है आधार कार्ड ये वो ना, तो भी टोकन लगे हुए हैं, उनको पकड़ना चाहिए ना, फिर ये कह रहा है मेरा कि जब पालने हैं तो अपने घर में रखो, छोड़ने का फायदा कुछ नहीं है, गौशाला दे दो पैसे देकर कहीं गौशाला में छोड़ जाओ, क्योंकि देखो हालत होती रहेगी, आप कहाँ घूमेंगे बेचारे, ये लोग घर में कहीं मुँह मार रहे हैं, कभी इधर मुँह मार रहे हैं, क्या करना मैंने है फादर नेम बताएं सर, मनोहर लाल साहब, आप सर बस्सी से प्रॉपर बस्सी बिलोंग, ठीक। भोरन से संवाददाता पवन कुमार की रिपोर्ट।